नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिन मंगलवार, कोई सोच सकता है कि घोषणा पत्र निकालते वक्त कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की मांग कर सकती है। कांग्रेस के कुछ नेता ही ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा लगता है। राजनीतिक हलके में ये बहुत जोर की चर्चा पकड़ रही है कि मंगलवार के दिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक ऐसी नो बॉल फेंकी है जिससे बीजेपी को लंबा शॉट मारने का मौका मिल गया है। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस का संकल्प पत्र आता है और 4 घंटे बाद बजरंग दल पर मोदी का पावरफुल रिएक्शन आ जाता है। यानी अब जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान और जय बजरंग बली कर्नाटक में गूंजने लगा है, और यह गूंज कर्नाटक से होते हुए 24 तक सुनाई देगी। कांग्रेस ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी। बैन की बात करके कांग्रेस ने फिर एक बार मुस्लिम वोट बैंक को खींचने की कोशिश की। अब बीजेपी कहेगी कि बजरंग बली के भक्तों को कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कांग्रेस की यह गलती एक चुनाव नहीं, आने वाले कई चुनावों में उसे हराएगी? क्या कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से जाएगा? और क्या 2024 का चुनाव आज ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया? इस रिपोर्ट से समझते हैं। बजरंग बली और बजरंग दल। बजरंग दल का मतलब क्या है? मतलब है बजरंग का दल। आज यही बजरंग दल ट्रेंड कर रहा है। देश का कोना कोना जय बजरंग बली पर क्यों रिएक्ट कर रहा है? जवाब इन दो तस्वीरों में है। मंगलवार को 4 घंटे के अंतराल में दो पिक्चर देश ने देखी। सुबह 9:30 बजे कर्नाटक के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ। दोपहर करीब 1:30 बजे कर्नाटक में मोदी की चुनावी रैली हुई। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा, अगर कर्नाटक जीता तो बजरंग बली के दल यानी बजरंग दल पर बैन लगेगा। यानी मंगल के दिन कांग्रेस ने बजरंग बली के दल बजरंग दल को लेकर अपने अमंगल विचार फिट कर दिए। बीजेपी यही कह रही है। जवाब में मोदी ने क्या किया? मोदी ने 23 और 24 का पूरा समीकरण ही सेट कर दिया। आज से पहले तक मोदी के पास 24 के लिए सिर्फ राम मंदिर था, मगर अब मोदी के पास बजरंग बली भी आ गए। तो क्या जय श्री राम प्लस जय हनुमान अब यही है 2024 के लिए मोदी का अचूक बाण? और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मोदी ने राम और हनुमान दोनों को एक साथ जोड़ा। याद रहे, राम मंदिर का ताला खुलने के बाद ही बीजेपी ने टेक ऑफ किया था और अब 24 से पहले उसमें हनुमान जी भी आ गए हैं। बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि कांग्रेस को जय श्री राम के नारे पर आपत्ति है। वो राम के वजूद पर सवाल खड़े कर चुकी है और अब मंगलवार के दिन बजरंग बली का अपमान करके कांग्रेस पीएफआई को बचाना चाहती है। तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी को कांग्रेस एक बार फिर से प्रमोट कर रही है और ये बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो से क्लियर है। वो जबरदस्ती बजरंग दल और पीएफआई को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में संकल्प लेती है कि अगर उसने कर्नाटक जीता तो बजरंग दल और पीएफआई दोनों पर बैन लगाएगी।
मगर ये नहीं बताती कि पीएफआई पर तो पहले से ही 5 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है और ये बैन देश के गृह मंत्रालय ने लगा रखा है। यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो पीएफआई को बचाने के लिए बजरंग दल को टारगेट पर लेना चाहती है, उसे बैन करना चाहती है। पीएफआई को बैन करने के लिए गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। पीएफआई कितना खतरनाक कट्टरपंथी संगठन है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उससे जुड़े लोग सिमी के लिए काम कर चुके हैं, बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन से इसके कनेक्शन हैं, यहां तक कि आतंकी संगठन आईएसआईएस भी इससे कनेक्टेड है। यानी बजरंग दल को पीएफआई से जोड़कर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शुद्ध रूप से तुष्टिकरण वाली स्क्रिप्ट फिट कर दी है और इसका नुकसान होना तय है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने वाली स्क्रिप्ट ही मुसलमानों को खुश करने के लिए लिखी है। मुसलमानों को 4% आरक्षण और इस तरह तुष्टिकरण, कांग्रेस ने मोदी को वो मुद्दा दे दिया है जो अब 2024 तक चलेगा। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल है, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। कर्नाटक का चुनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां दोनों तरफ एक डिवीजन लाइन खींच गई है। कांग्रेस की लाइन है पीएफआई, मुस्लिम आरक्षण, फुल ऑन तुष्टिकरण, एंटी हिंदू लाइन और लेंथ, जबकि बीजेपी की लाइन है हिंदुवादी संगठन, बजरंग दल और हिंदुओं को एकजुट करने का मिशन। कर्नाटक के 84% हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए मोदी को सबसे बड़ा हथियार खुद कांग्रेस ने ही दे दिया है। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है, कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि गोहत्या का विरोधी कानून को, गोहत्या विरोधी कानून को मैं गोहत्या को रेगुलराइज कर दूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है, लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया, ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। एक वर्ग को खुश करने का तरीका देखिए, कांग्रेस जिस दिन अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर एक्शन का वादा करती है उसी दिन राहुल की फोटो लगाकर यह भी लिखती है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। और यह भी कोई संयोग नहीं हो सकता, कोई सियासी प्रयोग ही लगता है कि उसी दिन राहुल योगियों के बीच जाते हैं, पंचामसली जगतगुरु पीठ पहुंच जाते हैं, स्वामी वचानंदा का आशीर्वाद लेते हैं और लिंगायत समुदाय का वोट खींचने वाला कार्ड खेलते हैं। लेकिन बजरंग दल को बैन करने का संकल्प लेकर कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। राहुल ने यह सब कुछ कर्नाटक के 13% मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया है। ये 13% मुस्लिम कर्नाटक की 40 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। 70 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी अहम रोल प्ले करती है। इन 70 सेगमेंट में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है।
लेकिन 13% के चक्कर में कांग्रेस कर्नाटक के 87% हिंदुओं को नाराज कर बैठी है। ये लड़ाई कर्नाटक से शुरू हुई है और तय मानिए मोदी इसे 2024 तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने जय श्री राम के साथ साथ बजरंग बली का अपमान कैसे किया सब पब्लिक को बताएंगे। मोदी ने इसकी शुरुआत अभी से कर दी है, बाटला हाउस के बहाने कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पोल एक बार फिर खोल दी है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुए तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। कांग्रेस का इकोसिस्टम इस वक्त दो चीजों से ऑब्सेस दिख रहा है, नंबर वन मुस्लिम वोट बैंक और नंबर टू नरेंद्र मोदी। राहुल और प्रियंका अपनी चुनावी सभाओं में मोदी को नसीहत दे रहे हैं, किस पर बोलना है किस पर नहीं बोलना है इसकी सलाह दे रहे हैं, मगर ऐसा करते हुए हर 5 मिनट में मोदी मोदी ही कर रहे हैं। मोदी कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियां गिना रहे हैं तो कांग्रेस के नेता उसे वक्त की बर्बादी बता रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद भी यही टेप बजा रहे हैं। अब तक 91, अब तक 92, इसी की लिस्ट दिखा रहे हैं। मोदी सब नोट करते रहते हैं, तभी तो कांग्रेस के नेता एक लोकेशन पर जैसे ही कुछ कहते हैं और दूसरे लोकेशन पर आते ही मोदी सबको एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं, एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिर बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे कांग्रेस एक तबके का वोट पाने के चक्कर में तुष्टिकरण वाले जाल में फंस चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ये बीजेपी के लिए वोटों के ध्रुवीकरण का सबसे सॉलिड हथियार बन चुका है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बीजेपी पीएफआई का जिक्र तो कई रैलियों में कर रही थी, मगर अब कांग्रेस ने बजरंग दल को मुद्दा बनाकर बीजेपी को एक और ऑक्सीजन दे दिया है। एक तरह से कर्नाटक की 224 सीटों का पूरा गेम चेंज होता दिख रहा है। आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते, तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। और सुरक्षित कर्नाटक केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। और ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, असर तो यूपी में भी दिखने लगा है, बंगाल में भी दिख रहा है। तुष्टिकरण वाले सिंपथाइजर्स दोनों लोकेशंस पर मौजूद हैं, इनमें अखिलेश भी हैं और ममता भी। तभी तो ममता ने मंगलवार को एनआरसी वाला कार्ड खेल दिया, 24 में मोदी को हटाने के लिए एक बार फिर सबको इकट्ठा होने को कह दिया। एक देश में परिवार तन होना जरूरी है। अगला इलेक्शन होगा परिवार तन का इलेक्शन, जो 2024 में है दिल्ली में। अगर 12 साल में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, एक झूठा गवर्नमेंट, एक अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ में,
जो पूरा संहार किया था जनता को, तो 10 साल हो गया एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया, खाली उसका इतिहास बदल दिया, उसका जुमला पॉलिटिक्स किया, अत्याचार किया, संत्रास किया, नोटबंदी किया, एनआरसी का नाम पे अभी भी एनआरसी का नोटिस जारी किया, एनआरसी का नाम पर अत्याचार किया। तो हम इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करें? हम सब अपोजिशन पार्टी को कहेंगे आइए एकजुट होइए, और एकजुट होने से आई एम श्योर दैट बीजेपी विल लॉस द पावर दिस टाइम। अखिलेश भी इसी लाइन पर चल रहे हैं, अतीक का नाम फिट करके नॉनस्टॉप योगी पर हमलावर हैं। दरअसल ये भी 2024 वाले गेम प्लान का ही हिस्सा है, क्योंकि यूपी में अखिलेश की नजर भी मुस्लिम मोहल्लों पर टिकी है। क्या माफिया पे आप एक्शन कर रहे हैं? आप माफियाओं की टॉप 10 की सूची जारी करिए, आप सूची जारी नहीं कर सकते। केवल हिंदू मुस्लिम हो जाए, नफरत फैल जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री को कोई उकसा नहीं सकता, मुख्यमंत्री न जाने कब से उकसे हुए हैं। मैंने ये पूछा सदन में, क्या मुख्यमंत्री की भाषा ही होगी कि मिट्टी में मिला देंगे? इसका मतलब इन्हें कानून, संविधान, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। उस समय हाउस में स्पीकर ने कहा नहीं, वो तो मिट्टी मिलाने की बात माफियाओं की कर रहे हैं। तो माफिया भी जात और धर्म देख करके कर रहे हैं। मैं तमाम समाज के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो माहौल नहीं बिगड़ा यूपी का। बीजेपी चाहती थी माहौल बिगड़े, और जब कभी दंगा होगा, जब कभी नफरत फैलेगी, तो बीजेपी उसका लाभ उठाती है। लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए बुरी खबर यह है कि 24 के लिए उन्होंने जो तुष्टिकरण वाली स्क्रिप्ट लिखी है, मुसलमानों को रिझाने वाली कहानी बुनी है, वो धीरे धीरे पूरी तरह पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ये ध्रुवीकरण अभी से शुरू हो चुका है। ये समझने के लिए योगी का इशारों इशारों में अतीत पर किया गया ये ट्वीट ही काफी है। योगी ने कैमरे पर आकर जो कहा वो बयान ही काफी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगबारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पवार परिवार में क्या चल रहा है? 4 दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। क्या पवार ने आज रोटी पलट दी? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था 15 दिन में बड़ा विस्फोट होगा। क्या पवार का इस्तीफा ही वो विस्फोट है? शरद पवार अपनी पार्टी की कमान भतीजे अजीत पवार को देंगे या बेटी सुप्रिया सुले को देंगे? मुंबई से जो इशारे मिल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो खबरें भेज रहे हैं, उनसे लगता है कि पवार अगले 48 घंटों में अपने पत्ते खोलेंगे। सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अगर अजीत पवार सुप्रिया सुले के नाम पर नहीं माने तो फिर प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। भतीजे और बेटी की रेस में अभी बेटी आगे चल रही है। क्या अजीत पवार एक और बाजी हार रहे हैं या अभी तो असली खेल शुरू हुआ है? बीजेपी क्यों अगले 48 घंटे तक इस गेम पर नजर बनाए हुए है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शरद पवार का इस्तीफा क्या बेटी सुप्रिया सुले का रास्ता साफ करने के लिए है, या चाचा पवार ने भतीजे पवार के लिए कुर्सी छोड़ी है? क्या शरद पवार के मन में कोई तीसरा नाम भी है जो अभी सामने नहीं आया है? महाराष्ट्र के इस सियासी विस्फोट के बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां टिकेगी? सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर पवार ने उंगली छोड़ दी तो ठाकरे खानदान मंझधार से कैसे बाहर आएगा?
शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में जो कहा और उससे चार दिन पहले जो कहा, सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो ये बात क्लियर होती है कि महाराष्ट्र में मिटेगी अघाड़ी, पवार ही असली खिलाड़ी। बीजेपी पवार की राह देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। क्या 24 से पहले महाराष्ट्र में नया अलाइनमेंट होने जा रहा है? क्या मोदी की पार्टी और शरद पवार की पार्टी साथ आ सकती है? पवार क्या डिसीजन लेने वाले हैं एग्जैक्टली, ये सिर्फ पवार को पता है। इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी अधिक से अधिक चार लोगों को ही पता है। इनमें से पहली शख्सियत है शरद पवार की धर्मपत्नी प्रतिभा पवार, दूसरी है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, तीसरे शख्स हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और नंबर चार पर हैं शरद पवार के पोते रोहित पवार। महाराष्ट्र की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली का इक्वेशन आगे बताते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इक्वेशन समझाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी का साथ आना बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, ये एनसीपी के लिए भी पॉजिटिव है, मगर ये राहुल गांधी के लिए शुद्ध रूप से नेगेटिव है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। संजय राउत के इस टिप्पणी पर गौर कीजिए, पवार ने रोटी पलटने की बात कही थी लेकिन पूरा तवा ही पलट दिया। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर दूसरे पार्टी के नेता या दूसरे पार्टी के लोग अपनी राय नहीं देते, उनका अंतर्गत निर्णय होता है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बड़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है पवार साहब ने, राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है, मैं इतना ही कहूंगा। पवार साहब किसी पद के पद पर बैठते इसलिए बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूं। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। शरद पवार साथ नहीं होंगे तो मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट, थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाने का पूरा प्लान ही पंक्चर हो जाएगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी। अभी बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि शिंदे के साथ लोकसभा चुनाव में जाना रिस्की है। शिंदे के साथ गए तो प्रदेश की 22 सीटें तो हारेंगे ही हारेंगे, यानी बीजेपी की फाइट 48 में से 26 सीटों पर रह जाएगी। दूसरे सिनेरियो में अगर बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो गया तो 24 के चुनाव में यह गठबंधन 48 में से 46 सीटें भी जीत सकता है, यानी राहुल की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों तक सिमट सकती है। एक तीसरा सिनेरियो भी बनता है जिसमें बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन न हो लेकिन 3 पार्टियों की अघाड़ी टूट जाए। यह सिनेरियो भी मोदी के लिए फायदेमंद है, विपक्ष की अघाड़ी टूटेगी तो मोदी की भगवा गाड़ी सरपट भागेगी। पवार के इस्तीफे से वाईबी चौहान सेंटर में इमोशनल सीन क्रिएट हो गया। शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने के लिए एनसीपी नेताओं, कार्यकर्ताओं के बयान आने लगे। सबसे भावुक अपील एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने की। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो, पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात। आज पवार साहेब बाजूला गेले तर आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं, हा आमचा पहिला प्रश्न। अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं
हे महाराष्ट्र पुरतच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. एनसीपी में दबंग छवि रखने वाले जितेंद्र अहवाड पवार के लिए रोने लगे. कुछ ही देर में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे. शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा. नारेबाजी शुरू हो गई. वाईबी चौहान सेंटर में बहुत कुछ ऐसा भी दिखा जिसे शरद पवार दुनिया को नहीं दिखाना चाहते होंगे. शरद पवार के एक सपोर्टर ने उनके लिए नारा लगाना शुरू किया तो अजीत पवार ने उसे डांटकर उसके हाथ से माइक छीन लिया. इससे पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कुछ कहना चाह रही थी तो अजीत पवार ने सुप्रिया को भी चुप करा दिया. अरे वेड्यांनो तुम्ही विनंती करू शकता, मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का ते? कठीणच झालं. अजीत पवार एनसीपी के मंच पर शरद पवार और प्रतिभा पवार के साथ बैठे थे. कुर्सी भी बराबरी की लगाई गई थी. इससे ये तो साफ है कि अजीत पवार का कद क्या है. अजीत पवार की बात सुनकर सुप्रिया नीचे जमीन पर बैठ गईं. इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पवार के इस्तीफे का सम्मान करने की अपील कर दी. पवार साहब अध्यक्ष नहीं म्हणजे पक्षामध्ये नाही असा भागच येत नाही. आज काँग्रेस मध्ये अध्यक्ष खरगे पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे. बघू बावनी होण्याचं काही कारण नाही. हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता. अजीत पवार एनसीपी के दबंग नेता हैं, लेकिन शरद पवार के सामने ही उनका विरोध शुरू हो गया. अजीत पवार अपनी लाइन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. चार घंटे के अंदर अंदर पार्टी में ऐसा मूड बन गया कि अजीत पवार को टोन डाउन करनी पड़ी. सिल्वर ओक में शरद पवार के बंगले पर जब मीटिंग हुई तो अजीत पवार ही मीडिया के सामने भेजे गए. शाम में अजीत पवार ने क्या कहा इसे सुनेंगे तो समझ में आएगा कि शरद पवार राजनीति के किस चाणक्य का नाम है. साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है. कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ और वो काम करेंगे. आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा. साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहाँ से अपने अपने घर चले जाओ. आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए उसके लिए मुझे 2-3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा. ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक विपक्ष के सभी नेताओं ने 24 के लिए जितने भी अलायंस फॉर्मूले बनाए सबके फॉर्मूले में पवार जरूर फिट थे. मोदी के दुश्मन दो राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे 40 सीटों वाला बिहार और 48 सीटों वाला महाराष्ट्र. लोकसभा की 88 सीटों पर मोदी की पार्टी पहले से ही डाउन होती दिख रही थी. इन दो राज्यों में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं. बीजेपी यहां अगर 20 सीटों पर रह जाती तो मोदी के लिए 300 पार करना मुश्किल होता. बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार अभी हिल नहीं रही, लेकिन पवार के एक फैसले से महाराष्ट्र के समीकरण बदल गए. वो फैसला भी ऐसा है जो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है. कहा कि कोई भी इस्तीफा ना दे, कोई भी जो है अनशन के ऊपर यहाँ भूखा नहीं बैठा, मुझे 2-3 दिन जो है विचार करने दो मेरे निर्णय के बारे में, तब तक जो है सब लोग शांति रखे. कौन कौन थे सर मीटिंग में? अजीत दादा था, मैं था, प्रफुल्ल पटेल था, धनंजय मुंडे था, गडकरी था. यहाँ जो लोग बैठे थे वो सब देख रहे थे वहाँ पे. 2-3 दिनों का वक्त पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी. मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये सारी ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया, तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला. खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं
हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग, प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या शरद पवार अपनी विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप देंगे? क्या पवार ने भतीजे की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए यह दांव चला? सुप्रिया सुले कांग्रेस के करीब हैं, अजीत पवार को बीजेपी की नजदीकी अच्छी लगती है। सुप्रिया सुले सॉफ्ट स्पोकन है, पार्टी में सभी उनको चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार पार्टी पर कंट्रोल बनाकर चलते हैं। पवार अगर अड़े रहे तो कांग्रेस चाहेगी कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष बने, बीजेपी चाहेगी कि अजीत पवार के हाथ में कमान आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।